हेलो गाइस, एक और ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ 2 दिनों के बाद। और मैं अभी हूँ हॉस्पिटल PGI में। पीछे मेरे है इमरजेंसी, आप लोग देख सकते हो। और मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये बिल के पेमेंट हैं। और मैं जा रहा हूँ एक जाँच रिपोर्ट लेने के लिए ओल्ड OPD में। तो गाइस, मैं टाइम दिखा दे रहा हूँ, 10 तारीख हो गया आज, और बैटरी मेरे में बहुत कम है। टाइम हो रहा है 2:28, आप लोग देख सकते हो रात के भाई। और मैं हूँ हॉस्पिटल के सामने, ठीक है, आप देख सकते हो वो OPD है भाई। मैं गाइस, पता है हॉस्पिटल मेरी ड्यूटी कल थी इवनिंग ड्यूटी, तो मैं घर से 12 बजे निकला था, तो सारा ड्यूटी किया अपना, और रात भर मैं यहीं पर रुका हुआ था, और अभी भी मैं हूँ। तो गाइस, मैं अभी चल रहा हूँ ना ओल्ड OPD, वहाँ पे मैंने सैंपल दिया था जांच के लिए, तो रिपोर्ट आ गई होगी 1 घंटे बाद बोला था, तो मैं भाई लेने जा रहा हूँ। और यहाँ पे भाई कुछ लोग लेटे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, लाइट भी जल रही है, और कोई दिक्कत नहीं है, 3 शेड लगा हुआ है, कोई मतलब बढ़िया व्यवस्था है। तो यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, तो यहाँ भी जो है ना लोग लेटते हैं भाई, जो लोग पैसे नहीं पे कर सकते हैं, जो नॉर्मल लोग आते हैं भाई, तो वो लोग यहीं पे लेट जाते हैं, और खाना बाहर से खा लेते हैं, यहीं पे लेट जाते हैं। भाई मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ना जहाँ जहाँ पे गया था और जो भी जांच कराई, जो भी प्रोसेस था, वो मैं आपको ज़रूर बताता। लेकिन मैं काफ़ी लेट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत लेट में, रात के 2:30 बजे भाई, सोच लो आप। और ठीक है, अभी जो भी होगा दिखाऊंगा। और अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों रुका हूँ यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे घर का कोई भी मेंबर होगा, जो भी है भाई। कितना सन्नाटा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। रात में जो है ना गाइस, जो मेन, बाहर से आप कहीं भी आओ, जब पुराने OPD के एंट्रेंस पे आइए ना, तो वहाँ पे गार्ड लोग रहते हैं, तो रात में 11-12 बजे के बाद में पूछते हैं कि कोई भी आता है, ये आप किसके साथ में हो, कहाँ जा रहे हो। वैसे तो भाई मैं स्टाफ ही था, तो मैंने बता दिया मैं स्टाफ हूँ। और जो है और कई लोग आ रहे हैं, तो उनको रोक रहे थे, अब भाई उनकी ड्यूटी है ना, तो वही पूछेंगे। ये देखो भाई कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं है भाई अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा रोड खाली है, मतलब पूरी जो ब्लॉक है सारे खाली हैं। और 3:32 हो रहे हैं भाई रात के, मतलब ऑलमोस्ट मानिए सुबह के जो है 2:30 बज रहे हैं। और मैं हूँ अभी पुरानी OPD। आप लोग भाई अगर रात में आ रहे हो यहाँ पे, तो जो कोई भी आ रहा है, तो गेट पास ज़रूर होना चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पेशेंट कहाँ पे एडमिट है, किस ब्लॉक में एडमिट है, और किस वार्ड में एडमिट है, सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। और एक पेशेंट का कोई भी कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, गेट पास ज़रूर होना चाहिए आप लोगों के पास में, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ओह भाई, मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा हूँ, अंदर से बहुत प्रॉब्लम है भाई, लेकिन मैं फिर भी जो है ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। भाई चारों तरफ सन्नाटा है यहाँ पे, मतलब सुनसान है, कोई भी नहीं है, आप जिधर भी देखो भाई, देख रहे हो भाई कितना, मुझे तो भाई डर लग रहा है पहली बार। भाई मैं तो यहाँ पे ना 10 साल यहाँ पे गुजार दिए हैं, तो अब तो सब एक एक गली, एक एक लोग, सब जान पहचान के हैं, कुछ भी नहीं लगता है। देख लो, अकेले घूम रहा हूँ भाई यहाँ पे, हमें तो भाई ना बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को डर लगता है रात में सुनसान, वो भी कोई भी शख्स ना हो, और जहाँ पे आप जानते ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टाफ हूँ यहाँ पे, और नाइट ड्यूटी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए कोई डर नहीं लग रहा है। एनीवे, अभी मैं आ चुका हूँ गाइस MICU वार्ड में, यहाँ पे ये जो कार्डियोलॉजी पड़ता है उसके जस्ट बगल में। तो यहाँ पे गाइस ना खून के जांच के सैंपल दिए थे, ब्लड जांच के, तो बोला था भैया ने कि 1 घंटे बाद आना, तो वही लेने आया हूँ मैं। गाइस 2 दिन से ना मुझे जुकाम बहुत है, हल्का हल्का फीवर भी है ना, लेकिन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया है ना, इसीलिए मैं अब बहुत लापरवाह होता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। दूसरों की मदद मैं करता रहता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ, और आज भी मैं एक लोगों की मदद के लिए ही यहीं पर रात में रुका हुआ हूँ। और लेकिन फिर भी देखो, मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, मेडिसिन का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, ना खाने का टाइम, ना दवा का टाइम, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा, उस बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों रुका हूं यहां पे, कौन है, किसके लिए रुका हूं, सारी जानकारी दूंगा।
पहले रिपोर्ट ले लेता हूँ और फिर चलते हैं वहाँ पे बैठ के बताएंगे। ये है दोस्तों MICU वार्ड, आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो सारे पेशेंट जो है सो रहे हैं और भाई यहाँ पे बराबर ड्यूटी चल रही है, देख सकते हो भाई। चलो भाई हो गया। तो गाइस फिलहाल जो है अभी रिपोर्ट मिल गई है और जो मैं बिल लेके आया था वो बिल जो है यही भैया ने जमा कर लिया अपने पास में, रिपोर्ट दे दिया है। और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 1 घंटा से ज़्यादा हो गए क्योंकि भैया जो है ना वो गए हुए थे मरीज का सैंपल निकालने के लिए, इसीलिए तो मुझे 1 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ा, बहुत लेट हो गया। चलो अभी रिपोर्ट मिल गई है, अब चलते हैं डायरेक्ट एमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो गाइस मैं आया था लगभग 2:30 बजे यहाँ पे और अभी टाइम हो रहा है 3:41 और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ ओल्ड OPD से, इधर से चलेंगे यहाँ पे। रात में ना अभी यहाँ पे इतना सुनसान लग रहा है, कोई भी नहीं है भाई, एक गैलरी इस तरफ है एक गैलरी उस तरफ है, कोई भी नहीं है। और दिन में जब आप कभी आओ यहाँ पे, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, देखते ही होगे, इतना पब्लिक रहती है ना, बहुत क्राउड रहता है, हर ब्लॉक में हर जगह बहुत भीड़ रहती है। अभी जो है ना मैं बाहर आ चुका हूँ OPD के जस्ट बाहर, पुरानी OPD, देख सकते हो भाई कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरा सुनसान है। आज तो ना भाई हवा भी चल रही है, तो हवा अब लग रही है, ये देखो इधर से चलते हैं दोस्तों। सभी लोग भाई यहाँ पे सो रहे हैं कर्राटे मार के। बहुत ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि मनाली या जम्मू कश्मीर के एरिया में आ चुका हूँ। तो अभी मैं पता कहाँ पे हूँ, अभी मैं हूँ इमरजेंसी के जस्ट बाहर, OPD के जस्ट बाहर, मतलब ये इमरजेंसी, ये PMSY बिल्डिंग है, PMSSY उधर भाई OPD। ये भाई इंट्रेंस देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है, लाइट वगैरह लगी है मस्त। देखो गाइस इमरजेंसी। तो दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा और शायद मैं इतना तेज ना बोल पाऊँ, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं एक जगह अभी बैठ चुका हूँ, मतलब इमरजेंसी बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही बैठा हूँ और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई इमरजेंसी का मामला है तो कुछ चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं है, तो मुझे भी उन चीज़ों को फॉलो करना होता है और हर जगह मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ और आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताऊँगा कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, तो दोस्तों ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो कि आपके सगे संबंधी से, आपके परिवार से और आपके नातेदार रिश्तेदार दोस्तों से बढ़ के होते हैं। तो वैसे ही भाई एक लोग हैं हमारे, मतलब हैं बहुत ख़ास लोग, मतलब हैं और बल्कि वो परिवार के नहीं हैं, एक हमारे हमारे भी दोस्त हैं वो, और हमारे जो छोटे भाई हैं उनके भी बहुत ख़ास दोस्त हैं, एक तरह से मानिए वो परिवार के सदस्य जैसे ही हैं, एक पारिवारिक शुभचिंतक हैं वो, तो इसलिए जो है उनके जो घर के सदस्य मेन हैं, ठीक है, उनके नाना जी हैं, तो उनको जो है सांस की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की दिक्कत थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं ड्यूटी पे ही था यहाँ पे इवनिंग ड्यूटी में, तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया तो मैं बोला ठीक है आप लेके आइए, मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी मैं देखता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो वो लेके आए और उनसे मैं मिला, उनको देखा तो काफ़ी दुख हो रहा था, उनकी एज भी थी, लेकिन मैंने ठीक है मैंने सोचा कि एक बार मैं कोशिश करता हूँ। तो उनको इमरजेंसी में भाई दिखाया गया और जो है फिर बात किया यहाँ पे, तो फिलहाल एडमिट हो गए हैं, तो इसी के लिए मैं रुका हूँ। और उनके घर के सदस्य जो है ना थोड़ा सा भाई मतलब शिक्षित कम है, जागरूक नहीं है इतना कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सी जांच कहाँ पे होनी है, किस ब्लॉक में होनी है, कैसे डॉक्टर से बात करनी है, तो इतना नॉलेज उनको नहीं था और इसीलिए जो है मैं रुका हूँ रात में यहाँ पे। तो अभी मैं जो है सुबह मतलब निकलूँगा समथिंग 8-9 बजे तक, अब देखते हैं सुबह का क्या सीन रहता है और सुबह कैसे क्या जो भी है वो मैं बाद में मतलब बताऊँगा। फ़िलहाल मैं सुबह निकलूँगा और कल मैं आया था अपनी ड्यूटी इवनिंग में 12 बजे, तो तब से मैं यहीं पर हूँ, ऑलमोस्ट मुझे समथिंग 20 घंटे यहाँ पर होने वाला होगा हॉस्पिटल में, और इसीलिए मैं रुका हूँ क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी का पेशेंट था ना, इसलिए वो OPD में दिखाने लायक नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो इमरजेंसी में दिखा देते हैं।
और इमरजेंसी में फ़िलहाल एडमिट हो गए हैं वो, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जो इमरजेंसी में मैं अपने मरीज को कैसे दिखा सकता हूँ पहली बार। तो दोस्तों आप लोग अपने मरीज को कहीं भी दिखा रहे होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो वहाँ से आप लोग रेफ़र करवा लीजिए पीजीआई के लिए, वो ऑलरेडी डॉक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप रेफ़र टू SGPGI लिखवा लीजिए या रेफ़र टू हाईएस्ट सेंटर लिखवा लीजिए, विथ डिपार्टमेंट लिखवा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो और जो पेशेंट की जांच रिपोर्ट्स हैं सारा कुछ, एक चीज़ याद रखिएगा, ओरिजिनल होना चाहिए। और रेफ़र, और एक चीज़ और है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करा के मत आइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते हो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे स्टाफ यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं, डॉक्टर जो है यहाँ के जो ऑन ड्यूटी पे रहेंगे ऑन कॉल पे, वो आपके मरीज को तुरंत देखेंगे और जो उनसे हो सकेगा तुरंत समुचित उपचार करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, या जिस भी बीमारी से संबंधित होगा आपका पेशेंट उसके डॉक्टर बुलाए जाएंगे, ट्रीटमेंट शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही कहना चाहूँगा कि किसी को भाई हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, हॉस्पिटल ना आना पड़े, लेकिन भाई जो समय चल रहा है, इतना जनरेशन जो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, इतनी बीमारियां हैं कि सबको किसी न किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल ज़रूर आना पड़ता है। फिलहाल मैं क्या कहूँ, मैं तो देखता हूँ भाई, मैं समथिंग मुझको 9-10 साल हो रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में, PGI में, लखनऊ में, और बहुत तरह तरह के पेशेंट आते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई, मैं लेकिन क्या करूँ। और जितना जिससे मुझसे हो पाता है मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जानकारी देता हूँ और हेल्प करता रहता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इमरजेंसी मामला है तो अलाउ नहीं है सब कुछ वीडियो बनाना, केवल जानकारी मतलब मैं दे सकता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ एक जगह बैठ के, ठीक है, वो मैं बता सकता हूँ लेकिन दिखा नहीं सकता हूँ। और इसके आगे का व्लॉग गाइस और रहेगा कि आप लोग बहुत से कमेंट आते हैं कि सर क्या कितने बजे, जैसे मुझे OPD में दिखाना हो, नवीन OPD में, तो कितने बजे आऊँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, इसके आने वाले व्लॉग में, ठीक है। तो इसके आगे का व्लॉग जो रहेगा वो मैं बताऊँगा, अभी मैं दिखाऊँगा नहीं। तो जो है चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को SGPGI हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक पहुंच सके। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी, ठीक है। और आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में, नहीं मिली है तो भाई पूछ लीजिएगा, जो भी आप कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं। और 2-3 दिनों से भाई ना मैंने YT स्टूडियो नहीं खोला है जिस पे मैं लोगों को कमेंट करता हूँ, उनके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो स्वास्थ्य भाई आप लोग समझ सकते हो कि मतलब अंदर से वॉइस निकल नहीं रही है बिल्कुल भी, काफ़ी एनर्जी लग रही है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। और बहुत रात हो गई है तो अब तो सोने को मिलेगा नहीं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और इसके आगे का व्लॉग रहेगा नवीन OPD का, आपको अभी मैं दिखाऊँगा इसके बाद वाले व्लॉग में कि कितने बजे आप लोग आ सकते हो पहली बार, और क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे 2-3 बजे से लाइन लग जाती है, तो क्या सही में लाइन लग जाती है, और OPD में दिखाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सही जानकारी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय। अभी खोल रहा हूँ इंस्टाग्राम, 2-3 दिनों से नहीं खोला हूँ, कि कुछ सारे कमेंट्स हैं भाई लोगों के आए हुए हैं तो इनको भी रिप्लाई करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ना मैं वो व्लॉग नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मैं ना समथिंग 5 बजे भाई लेटा था और नींद इतनी तेज़ लगी थी, मैं सो गया तो उठ ही नहीं पाया भाई। तो मैं सोचा कि 5:30 या 5 बजे तक चलेंगे OPD के पास, दिखाएंगे आपको ये लोग कितने बजे यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन भाई नींद बहुत तेज़ लगी थी, उठ ही नहीं पाया, और इसलिए ना मैं रात में व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये व्लॉग मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, इसी वाले वीडियो में, फिर जानकारी आपको बाद में देंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ भाई घर के लिए। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो सभी लोग भाई OPD, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग इमरजेंसी जा रहे हैं, और भाई मौसम तो बहुत ख़राब है, हवा भी चल रही है, या फ्लैग देखो भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है, और हल्की हल्की धुंध मतलब कोहरा टाइप में है, और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। भाई यहाँ पे क्या है,
कड़ाके की ठंड हो या मई जून की गर्मी, लेकिन यहाँ पे ना लोगों का जो भीड़ रहता है और जो पब्लिक रहती है ना, हरदम भाई रहती है, बहुत भीड़ होती है। अब लोगों को भाई इलाज कराना है तो वो गर्मी और जाड़ा बरसात तो देखेंगे नहीं, आप वो सोचेंगे अपने मरीज का ट्रीटमेंट हो जाए ना, इसीलिए तो बहुत भीड़ होती है। लोग यहाँ पे अभी आ ही जा रहे हैं भाई, सोच लो ओपीडी। ये देखो भाई मेन गेट से ना वैसे जो है ई रिक्शा भाई मिल जाएगा आपको पीजीआई मतलब ओपीडी तक अंदर के लिए, और ₹5 भाई सवारी है मतलब किराया। सारे देखो ई रिक्शा चल रहे हैं सुबह से,